लगातार एक के बाद एक होते बम धमाकों के बीच क्या कीव पर रूस का कब्जा हो जाएगा। सुबह से अब तक रह रहकर कई धमाके हो चुके हैं, 10 धमाकों की आवाज से थर्रा रहा है इस वक्त कीव, जो कि राजधानी है। आपको बता दें खार्किव, लुहांस्की, सुमी, इरपिन, लबीव, ये तमाम वो हिस्से हैं जहां पर जबरदस्त बमबारी की गई रूस की सेना की ओर से, और अब उसके निशाने पर सीधे सीधे राजधानी कीव ही है। कीव जो कि 30 लाख से ज्यादा की आबादी वाला ये शहर, जहां पर 90% से ज्यादा लोग शहर को छोड़कर जा चुके हैं, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है या फिर यूक्रेनी सेना वहां पर मौजूद है। लेकिन इन सबके बीच आपको दिखा रहे हैं कब्जे की तैयारी करते हुए जो रूसी टैंक है वो किस तरह से भीतर की तरफ दाखिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज तक की रिपोर्टिंग के दौरान भी कीव में सुबह से रहकर अब तक कितनी बार धमाके हुए हैं हमारे दर्शकों ने सुना भी। और अब जरा कीव के नक्शे के जरिए, कीव जो कि राजधानी है, और इस बात को समझिए कि अगर किसी भी देश की राजधानी पर किसी दूसरे देश का कब्जा हो जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि सामने वाला देश उसके सीधे आधिपत्य में। और ये कीव का नक्शा है। इसके जरिए मैं चाहूंगी आप जनरल कुलकर्णी आप बताएं, कीव के इस नक्शे के जरिए हम इस बात को यहाँ पे ये मेट्रो स्टेशन देख पा रहे हैं, तमाम रिहायशी इलाके नेस्ता नाबूद कर देने पर इस हिस्से को भी आमादा है पूरी तरह से। मैं चाहूंगी इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को आप जानकारी दीजिए, ये जो कीव पर कब्जा करने की कैसी है कोशिश। कीव जो राजधानी है, ये नदी है, आप देखते हैं कि नदी के दोनों पार कीव का शहर है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो पूरा इलाका है ये तकरीबन 340 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है कीव का। मैं सिर्फ कीव की बात कर रहा हूँ, कीव मेट्रोपॉलिटन की, जिसको अब जैसे मेस्टिन साहब बता रहे हैं ना, ये जो रास्ते हैं ये देख रहे हैं आप जी। ये जितने भी रास्ते आएंगे ये इनको घेरने की कोशिश करेंगे, जिससे कि इस कीव जो शहर है, मेन शहर जो बिल्कुल जो दिल है, ये जो प्रेसिडेंशियल पैलेस है, बिल्कुल ये प्रेसिडेंशियल। अब उसके ऊपर जहाँ पे राजेश रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से तकरीबन राजेश बिल्कुल यहीं पर हैं, यहाँ बिल्कुल राजेश यहीं पर बैठे, वो तो मेन स्क्वायर में है राजेश, तो वहाँ से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि यहाँ पूरा जो शहर है वो खाली हो चुका है। लोग बहुत कम, बुजुर्ग जैसे देख रहे हैं आप, जो कीव के शहर की रखवाली के लिए खड़े हैं। तो ऐसे हालात में जो कॉन्वॉय पीछे से आ रहा है, ये सारे जो पीछे से आ रहे हैं, उनका मकसद होगा कि एक जगह पे, दो जगह पे जाएंगे और फिर धीरे 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 करके वो इसको घेराबंदी में डालेंगे। लेकिन अपनी राजधानी को बचाने की कोशिश में यहाँ पर यूक्रेनी फोर्सेस भी लगातार लगी हुई हैं। मैं चाहूंगी जनरल मेस्टन आप किस तरह से इसको डिफाइन करके हमारे दर्शकों को बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह की बड़ी तैयारी में इस वक्त लगी हुई है टीम। आप यूक्रेनियन फोर्सेज की? बिल्कुल ओके। पहली बात तो जो जनरल कुलकर्णी ने बताया बिल्कुल ठीक है कि घेरा, आइसोलेशन का मतलब समझना है। ये जो कार्रवाई है, ये जो घेराबंदी है, इसको बोलते हैं आइसोलेशन। इसका मकसद है, मकसद ये है कि यहाँ से कोई ना बाहर जाए ना बाहर से कोई मदद आए, तो उसका इंटेंट बहुत क्लियर है। आइसोलेशन करने के बाद अगला जो फेज करेंगे वो होगा थोड़ा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है कुछ इलाकों से, सारों से साइमल्टेनियस अटैक नहीं होगा, कुछ इलाकों में जो उनको लगता है कि थोड़े दुश्मन वो यूक्रेनियंस की कमजोरी है, वो थोड़ा अटैक शुरू करेंगे इस प्रकार। और मान लो यहाँ से तीन डायरेक्शन से हुआ और एक आध यहाँ से, ठीक है, तो उनको ये दिखाएंगे। अब इसमें मेन कहाँ से होगा वो नहीं पता चलेगा, हो सकता है कि ये मेन होए और इधर भी दिखाएंगे तो दुश्मन थोड़ा कंफ्यूज होगा कि हर कहाँ से आ रहा है। ठीक है, जल्दी से मैं दिखा देती हूँ एक और ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों से कि कहाँ कहाँ से रूसी सेना, आप देखिए यहाँ पर कहाँ कहाँ से रशिया की ये कोशिश है कि चारों तरफ की से घेर कर इलाके को पूरी तरह से नेस्ता नाबूद करते हुए, खासतौर से कीव पर जो ये बीच का हिस्सा हम दिखा रहे हैं, और बार बार कीव का मैप भी हमने आपको दिखाया। सर, इस मैप को किस तरह से समझाएंगे आप? देखिए, इस मैप से साफ है कि ये पहली बात रशिया का मकसद क्या था। देखिए, एक तो यहाँ से ये हुआ था, ये आपका जो नॉर्थ वेस्ट या बेलारूस और नॉर्थ से ये खार्किव में, इनको मैं थ्रस्ट लाइन बोलूंगा, एक थ्रस्ट लाइन ये हो गई, एक नॉर्थ हो गई, एक ईस्टर्न में ये डोनेस और एक सदर्न में ये वाली जो थ्रस्ट लाइन है जी। ये थ्रस्ट लाइन देखा जाए, कोई भी अगर मिलिट्री मैन बोलेगा ऑब्जेक्टिव बहुत शैलो है, बहुत कम इन्होंने लिया है ये 9 दिन की लड़ाई में। बिल्कुल, पर उसका कारण है क्योंकि इनके ऑब्जेक्टिव डीप नहीं जाना था, इनके ऑब्जेक्टिव कुछ शहरों को घेरना था जैसे खार्किव वगैरह।